भारत न्यूजीलैंड तीसरा टेस्ट मैच दूसरा दिन। दूसरे दिन के खेल में भारत ने पहली पारी में बनाए 263 रन 28 रनों की बढ़त हासिल की, लेकिन दूसरी पारी में न्यूजीलैंड के स्कोर 94 रनों पर 4 विकेट। तो क्या पूरी खबर दोस्तों जानने के लिए बने रही वीडियो में अंत तक, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ली। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला बॉम्बे के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। तीसरे मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय टीम पहली पारी में 263 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, और भारत ने पहली पारी के आधार पर 28 रनों की लीड हासिल की थी, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने 94 रनों पर 4 विकेट गंवा दिए हैं। यानी कि न्यूजीलैंड के पास सिर्फ 66 रनों की बढ़त हासिल है और उनके 6 विकेट शेष हैं। देखना होगा कि न्यूजीलैंड की बाकी 6 विकेट भारत कितनी जल्दी लेता है और भारत को फिर कितने रन का टारगेट मिलता है। उसके बाद जितने रन का टारगेट मिलेगा उसे भारत जैसे हासिल करता है तो तीसरा मुकाबला भारतीय टीम जीत लेगी। सो दोस्तों आपको बता दें कि न्यूजीलैंड पहली पारी में 235 रनों पर ऑल आउट हो गई थी, जिसके जवाब में भारत ने 263 रन बना लिए और भारत ने 28 रनों की बढ़त हासिल कर ली थी। भारत के लिए शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी की और 90 रन बनाई। उनके अलावा जायसवाल ने 30 रन बनाई और ऋषभ पंत ने 60 रनों की शानदार पारी खेली। वेस्टर्न सुंदर ने 38 रन बनाई। इस प्रकार भारत की पहली पारी 250 के पार पहुंचने में कामयाब रही थी और भारत ने 28 रनों की लीड हासिल की थी। दोस्तों आपके अनुसार ये मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी हमें कमेंट में जरूर से बता दीजिएगा, और क्रिकेट से जुड़ी इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। धन्यवाद।